चीन ने इंपोर्टेड कोयले से चलने वाले 3 पावर प्लांट्स को मकामी कोयले पर तब्दील करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर तवानाई अवैस लगारी चीन के दौरे पर हैं, जहां इंपोर्टेड कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स के हवाले से पेशरफ्त हुई है। इंपोर्टेड कोयले के 3 पावर प्लांट्स पाकिस्तान में महंगी तरीन बिजली पैदा कर रहे हैं, जिनमें 1320 मेगावाट का साहिवाल कोल पावर प्लांट, 1320 मेगावाट का हुब पावर प्लांट और 1320 मेगावाट का पोर्ट कासिम पावर प्लांट शामिल है। चीन की जानिब से पाकिस्तानी वफद को तीनों कोल पावर प्लांट्स की रीप्रोफाइलिंग के हवाले से भी मस्बत जवाब दिया गया, जबकि इंपोर्टेड कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स के मामलात को आगे बढ़ाने का तरीका कार भी तय पा गया। चीनी हुकाम ने पाकिस्तान वफद को पांडा बॉन्ड्स के मामले में भी मुकम्मल सपोर्ट फराहम करने की यकीन दहाई करा दी है। तीनों पावर प्लांट्स की कनोशन और रीप्रोफाइलिंग मुतालिक पाकिस्तान और चीनी हुकाम की मुलाकातें जारी रहेंगी।